लोक जनशक्ति पार्टी की टूट को लेकर अभी बातें चर्चा में है। इस पर सांसद वनी बीना देवी ने लोजपा की टूट पर कहा कि असली और नकली कुछ भी नहीं है, असल में सब कुछ एक ही है। लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड की राष्ट्रीय अध्यक्षा और सांसद बनी वीना देवी अध्यक्षा बनने के बाद पहली बार पटना पहुंची। पटना आने के बाद एयरपोर्ट पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। किसी ने फूलमाला से अभिनंदन किया तो किसी ने उनके सम्मान में नारे लगाए। लोक जनशक्ति पार्टी की संसदीय बोर्ड की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी वीना देवी ने कहा कि पार्टी के सिद्धांतों को सभी लोगों तक पहुंचाना है, संगठन को और शक्तिशाली और मजबूत बनाना हमारा सबसे पहला उद्देश्य है, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है चिराग पासवान जी के द्वारा। अगर वो हमें आमंत्रित करते हैं तो हम निसंदेह उनके कार्यक्रम में सम्मिलित जरूर होंगे। वहीं लोजपा में टूट को लेकर वीना देवी ने कहा कि इसमें कोई भी गुट नहीं, कोई असली कोई नकली नहीं, दरअसल सब कुछ एक ही है, ऐसा मानना है लोजपा संसदीय बोर्ड की राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद वीना देवी का। पहली बार आप आई हैं, प्लानिंग आपने क्या क्या किया है आगे के लिए? आगे के लिए पार्टी के विस्तार करूंगी, पार्टी में काम करूंगी और जितने भी यहाँ आए हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार भाइयों, हमारे सभी जनता, सभी पदाधिकारी को सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बधाई भी देती हूँ कि आप लोग इतने कड़े धूप में आधा घंटा मैं लेट हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ी तो NDA गठबंधन में चुनाव लड़ी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे पशुपति पारस कुमार जी, हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी, सभी लोग मिलके हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी में है, पार्टी आगे कैसे बढ़े उसके लिए तत्पर मैं रहूंगी और थी भी। और जनता के यही कहना है कि आप लोग पार्टी के मजबूत कीजिए, पार्टी में संगठन को मजबूत करेंगे, जब एक एक बूथ पर हमारा लोग रहेंगे तभी हम चुनाव जीतेंगे। महिलाओं के लिए क्या लोग बहुत सारी योजना है, बहुत सारे काम है, अभी तो नई पार्टी है, इसको गठन करके महिला लोग को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जनता में कंफ्यूजन है, दो को लोजपा हो गई है? नहीं, लोजपा तो एक ही है, लोजपा दो छोटे हो सकता है, लोजपा एक लोजपा के सांसद हूँ, सभी लोग लोजपा के सांसद। चिराग पासवान जिस प्रकार से आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, कोई घाटे का सौदा नहीं है, कोई सौदा क्या हुआ है जो हम घटा होगा? चिराग पासवान जी भी हमारे लोजपा के सांसद हैं, जैसे मैं वैसे भी वो भी सांसद हैं। हम तो मानते हैं पशुपति, नहीं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं पशुपति कुमार पारस जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। सूचना हुआ तो एकदम जुड़ेंगे, मेरे पार्टी के संस्थापक है, उनको कौन भूल सकता है, जब तक सूरज चांद रहेगा रामविलास जी का नाम रहेगा। अभी तो मैं मुजफ्फरपुर जा रही हूँ, आने के बाद उनसे भी आशीर्वाद लूँगी, हमारे बिहार के मंत्री हैं, बड़े हैं, हम लोग से सीनियर हैं, हमारे यहाँ के समझिए कि सब कुछ है, तो उनसे जरूर मिलूँ। जातीय जनगणना को लेकर आपकी राय क्या? NDA में है, ऊपर के जो हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सारे लोग, पारा जी, सारे लोग बैठेंगे, जातीय जनगणना करेंगे तो हम लोग उनके साथ हैं।